अहिंसा सत्य अस्ति ब्रह्मचर्य अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। जन्म जन्मांतरों के सारे रहस्य खुल जाते जब आप अपरिग्रह में जीने लगते हैं। सोचा तस्वांग जो गुप्सा पराई रसंसर्ग। सोच की सिद्धि होने से इस विष भरे संसार से तुम पार चले जाते हो। सोचा तस्वांग जो गुप्सा, जब सोच में जीते होने तब अपने शरीर से लगते रहे सब तो दुर्गंधमय है। आत्मा ही सत्य है, इसलिए उस शरीर से नहीं आत्मा से प्रीति करने लग जाता। सोच संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ, संतोषी सदा सुखी। समाधि की सिद्धि हो जाती है ईश प्रणिधान से, और तप से शरीर और इंद्रियां मन पूरी तरह से परिशुद्ध हो जाता है। दोनों हाथ कुट्टों पर गोल गोल घुमा लीजिए और ईश्वर प्रणिधान से समाधि। जिस क्षण समर्पण घटित होगा उसी क्षण रूपांतरण हो जाएगा। माने बस ये ऐसा है ये समर्पण कि बस अब एक हो गए, अब द्वैत रहा ही नहीं, अब दो विचार रहते ही नहीं। नहीं तो हमेशा दो विचार उठते अंदर है ना, अच्छा है या बुरा, करूं या न करूं, होगा नहीं होगा। हमेशा हम द्वंद्व में जीते रहते हैं। द्वंद्व, दो का भाव, इसको बोलते द्वंद्व। ये द्वंद्व हमेशा रहता है जीवन में। आओ कपाल भाती कराते हैं। समाधि की सिद्धि होती है ईश प्रणिधान से। भूख जितनी गहरी होगी, तड़फ लगन जितनी गहरी होगी, उतना ही शीघ्र समाधि का दर्शन, ईश्वर का दर्शन। गुरु की क्षण में आकर के, भगवान की क्षण में आकर के अपने सारे आग्रहों का परित्याग कर देना, ये विधान है, ये उसका अनुशासन है। हमारे भीतर बहुत आग्रह होते हैं, स्वार्थ होते हैं, अहंकार होता है, अज्ञान होता है। आग्रह, स्वार्थ, अज्ञान और अहंकार हमें सत्य से परिचित नहीं होने देता। सत्य आत्मा, परम सत्य परमात्मा, सदगुरु की शरण में आते हो, प्रभु की शरण में आते हो तो कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। अपने आप को पूरी तरह से गुरु के समर्पित कर दो। गुरु के गर्भ में अवस्थिति, इसका अर्थ यही है कि हमने अब अपना अस्तित्व मिटा दिया। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणते गर्भमंता, तम रात्रिस्तिस्त्र उद्रे विभर्ति तम जातम दृष्टुम अभिसंयंति देवा। आज दीप प्रज्वलित करते हुए बहन आपसे बता रही थी कि अंतेवासी होकर के गुरु के गर्भ में जब शिष्य 3 दिन तप करता है तब वो इतनी दिव्यता के साथ, इतने प्रखर आध्यात्मिक तेज के साथ वो प्रकट होता है कि देवता उसको देखने के लिए आते हैं। उसमें इतनी दिव्यता आ जाती है, उसमें इतनी पावनता पवित्रता आ जाती है। पैदा होने के लिए एक बार मरना पड़ता है, बिना पैदा बिना मरे हुए कोई पैदा ही नहीं हुआ है, और मृत्यु नवजीवन के लिए ही होती है।
जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जर्म मृतस्य च। गुरु की सन्निधि का अर्थ है गुरु के साथ एकाकार हो जाना। अब आंखों से वही देखना जो गुरु चाहते हैं, अब कानों से वही सुनना जो गुरु बोलते हैं, अब मुख से वही उच्चारित करना जो गुरु का संकल्प है, अब वही खाना जो गुरु निर्देश दिया है, वह वैसे ही जीना। माने इसको बोलते हैं पूर्ण समर्पण। योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याति, तो विवेक ख्याति मिलेगी, सारा असत दूर हो जाएगा, सारा तमस दूर हो जाएगा। देखो अष्टांग योग से सामाजिक जीवन में समरसता आ जाएगी। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह का जब हम पालन करेंगे तो सामाजिक विषमताएं दूर हो जाएंगी। हिंसा से, झूठ से, चोरी से, दुराचार व्यभिचार से, और कुछ लोग जो बहुत ज्यादा धन का संग्रह कर लेते हैं उससे समाज में निर्धनता आ जाती, अभाव आ जाता है, सामाजिक असंतुलन आ जाता है, आर्थिक विषमताएं पनपने लगती हैं, पूंजी के एक जगह पर अधिक संग्रह से, इसलिए विभाजित होती रहनी चाहिए। यमों के पालन से सामाजिक जीवन में समरसता, समाज में संतुलन और शौच शुचिता, तन की शुद्धि जल से, मन की शुद्धि सत्य से, अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। तन की शुद्धि जल से, धन की शुद्धि दान से, मन की शुद्धि सत्य से, आत्मा की शुद्धि विद्या और तप के अभ्यास से, बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से, शौच संतोष, पूर्ण परिश्रम के उपरांत जो भगवान देते हैं, प्राप्त का तिरस्कार नहीं, अप्राप्त की इच्छा नहीं, जो भगवान ने दिया है ना वो इतना ज्यादा दिया है, हमारी औकात से ज्यादा दिया है। मैं तो हमेशा भगवान से यही कहता हूं, प्रभु कुछ नहीं मांगता, कुछ चाह नहीं प्रभु, बस एक ही याचना, एक ही प्रार्थना, प्रभु जिस कर्तव्य कर्म में तूने नियुक्त किया हुआ है उस कर्तव्य कर्म को अपना धर्म मान करके पूर्ण पवित्रता से निभा सकूं प्रभु, ऐसा सामर्थ्य दो। बिना मांगे तूने सब कुछ दिया है प्रभु, मेरी औकात से ज्यादा दिया है प्रभु तूने, धन दौलत यश समृद्धि शोहरत इज्जत मान प्रतिष्ठा सब कुछ प्रभु तूने इतना दिया है। मैं तो बार बार कहता हूं भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना, वो तो बांट दो रहे हैं अपना संपूर्ण ऐश्वर्य तुम्हें देना चाहते हैं, इसलिए भगवान से कभी याचना मत करना, बस अपने भीतर पात्रता लाना। बार बार कहता हूं भगवान भिखारियों को नहीं अधिकारियों को देते हैं। हमारी आवश्यकता से ज्यादा भगवान ने हमको दिया है, अपना अपना मूल्यांकन करना, जरा देखना तुम्हारी क्या क्षमता थी, क्या योग्यता थी, और भगवान ने तुम्हें क्या नहीं दिया। बस तप करना, आत्मभाव में जीना, भगवान के प्रति सदा समर्पित रहना, शौच संतोष तपस्या ध्यानमग्न, इससे जीवन में पूर्ण पवित्रता आएगी। भगवान से क्या कहना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं प्रभु तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। प्रभु तुझसे क्या मांगू, क्या नहीं दिया प्रभु तूने। कपालभाति करते करते थक गए होंगे, जरा अनुलोम विलोम कराते हैं आपको,
ध्यान की साधना की और गहराई में लेके जाएंगे। कपालभाति करते करते थक जाते हैं ना, तो अनुलोम विलोम देह को देवालय बनाते हैं। दहिना सूर्य बायां चंद्र स्वर, दोनों स्वरों में जब प्राण का घर्षण मंथन होगा ना, तो आपने सुना है ना, अतीत में ऋषियों ने, देवताओं ने, असुरों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया तो उसे नौ रत्नों की प्राप्ति हुई। ये समुद्र मंथन है अनुलोम विलोम, इससे 72,72,10,210 नाड़ियां शुद्ध होंगी। अष्ट चक्र नव द्वारों का शोधन होगा। देह देवालय शिवालय बनेगा। तेरे मन मंदिर में तुझे भगवान मिलेंगे। यही कैलाश, यही मानस सरोवर है, यही मथुरा, यही काशी, यही हरिद्वार, यही गंगा, वही गंगा यमुना, बीच में ही सरस्वती, सारा ब्रह्मांड तेरे भीतर है। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर, भाव से श्रद्धा से देख, और भगवान के प्रति एक कृतज्ञता का भाव निरंतर। प्रभो बिना मांगे तूने सब कुछ दिया मुझे, प्रभो मैंने ही तुझे भुलाया, तूने कभी नहीं भुलाया। प्रभो जब जब मैं गिरा तूने ही उठाया, जब भव सागर में नैया डगमगाई प्रभो तू ही खवैया बन करके आया, तूने ही पार लगाया। प्रभो मैं तेरी शरण में आया हूं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं सर को झुकाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का माना के दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे झूली फैलाऊं